यहां भी वही मुद्दा है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, सरकारी कर्मचारी दफ्तर में काम करता था, जॉब करता था, तो उसकी तनख्वाह में से पैसे करते थे जीपीएफ के, ईपीएफ के। जब वो रिटायर हो जाता था तब उसको इकट्ठे पैसे मिल जाते थे, वो अपना घर बना लेता था, अपने बेटे बेटियों का किसी का भी कोई गिफ्ट दे देता था, तो उसकी जिंदगी आराम से निकलती थी। अब क्या कर रहे हैं भाई साहब? अब भाई साहब का फरमान आ गया दिल्ली से, इनके पैसे काट तो लो लेकिन इनको मत दो, शेयर मार्केट में लगा दो, वहां से नीरव मोदी, विजय मालिया, ये अदानी सब लोग जाएंगे। और जब तक आप रिटायर होंगे आपको कहा जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सरकारी नौकरी की, पेंशन तो आपकी नीरव मोदी ले गया और अंबानी ले गया। ये न्यू पेंशन स्कीम है उनकी, दैट्स कॉल्ड न्यू पेंशन स्कीम। तो हम ओपीएस को हमने अपने पहले नोटिफिकेशन जारी किया, अब हमने कैबिनेट में इसको लाज लेके आए हैं। हम केंद्र के साथ लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा पैसा वापस दो, 18,000 करोड़ हमारा जो पेंशन का, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम का जो इन्होंने रखा है वो वापस लेने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, मुलाजिमों के साथ लड़ाई लड़ेंगे।